ये गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंट्स ऑफ लाइफ। तो अभी मैं हूँ रोड पे अपने गांव के पास ही। तो आज मैं जा रहा हूँ कुछ खास जगहों पे, अलग सा कुछ। आज थोड़ा सा वीडियो और अलग होने वाली है क्योंकि मेरे गांव के एरिया पे ही ग्वालाकोट पड़ता है एक, तो वहाँ होने वाली हो रही है रामलीला। तो रामलीला का चौथा दिन, तो आज है राम और सीता, मतलब कल राम और सीता की शादी हो गई थी कल रात में। तो आज बारात निकलने वाली है शायद, या फिर आज शादी होने वाली है, मेरे को कन्फर्मेशन नहीं है, पर आज पहले बारात निकलने वाली थी शादी। तो अभी हम निकल रहे हैं, तो मनीष भाई निकाल रहे गाड़ी, स्कूटी से गए थे, स्कूटी फिसल गया, रोड ऐसी हो रही ना, फिसल गई पैर में, पूरी तरह लग चुकी है भाई। अभी दिखा के ला रहे हैं, दिखाने गए थे दोनों, तो दिखा के आ चुके वापस। तो अब निकलते हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ तो राम जी और सीता जी की बारात में होते हैं शामिल। तो अभी हो चुके हैं रेडी, अब सब कुछ, मैं तो घर से आ चुका हूँ, तो मैं इसलिए थोड़ा सा पीला गमछा भी लिया। तो एक बार दिखाता हूँ आगे मनीष भाई को, फिर निकलते हैं आगे की तरफ। निकलते हैं, अब बैठते हैं गाड़ी में, बहुत दिनों बाद। तो ये है हमारे मनीष भाई, कल ही पहुँचे हैं ये भी, और सडनली पहुँच गए, हमें तो मैं तो रास्ते में मिले थे। चलो अब निकलते हैं आगे की तरफ, और मिलता हूँ आपको आगे वहीं पे जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं राम और सीता की, राम जी और सीता जी की बारात में। तो निकलते हैं, 10-15 मिनट लगे हमें पहुँचने में, फिर वहीं से मैं आपको आगे की वीडियो कंटिन्यू दिखाता हूँ। देख सकते हैं फाइनली मैं वहाँ पहुँचा हूँ जहाँ पे हो रही है हम लोगों की रामलीला। मैं सामने भी दिखाता हूँ आपको, एक भाई दिख रहा है मेरे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। ये देखो भाई, भाई 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 हेलो तो करो यार भाई मेरे। तो ये है राम जी की गाड़ी, ठीक है, अभी दिखाता हूँ एक भाई हमारे, कुबेर भाई, ये हमारे कुबेर भाई। मंगदा मंगदा इधर देखो यार, मंगदा तो यहाँ देख नहीं रहे होंगे, हमारे मंगदा, हमारे मित्र, हमारे बड़े भैया। तो ये है गाड़ी, ये गाड़ी सज रखी है यहाँ पे, आगे भी दिखाता हूँ आपको। तो ये है ग्वालाकोट का स्कूल, मतलब ग्वालाकोट का ये गाँव भी दिखाता हूँ आपको एक बार, देखिए। तो ये है ग्वालाकोट का गाँव, और मैं दिखाता हूँ कहाँ पर बारात तैयार हो रही है, क्योंकि ये है रामलीला का मंच, और यहीं पर रामलीला हो रही है। देखो कितने, मतलब ज़्यादा अभी भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ है, देखो आपको दिखाता हूँ एक बार, सामने भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, और नीचे हो रही है बारात तैयार। एक बार जूम करके दिखाता हूँ आपको, बाराती नाच रहे हैं बड़े सही से, क्योंकि आज है राम और सीता की निकल रही बारात। और कल राम और सीता की कल जो रामलीला हुई थी उसमें हो गई शादी, तो आज बारात निकलने वाली है, फिर कल ये निकलेंगे वनवास की तरफ। तो देखो रेडी हो चुके हैं सब लोग, तो हम निकलेंगे अब रामलीला की तरफ से। ये हो रही है ग्वालाकोट में, ग्वालाकोट मेरे गाँव से थोड़ा सा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोगों का ही क्षेत्र आता है। दिखाता हूँ सब लोगों को एक बार, तो ये देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे, सब तैयार हो चुके हैं, ये सारे हैं बराती अभी जो आने वाले हैं यहाँ पे। और ये है राम सीता की गाड़ी, बिल्कुल सज चुकी है। तो अब निकलते थोड़ी देर बाद, फिर से मिलता हूँ एक बार आपसे, तो दिखाता हूँ। देखिए ये आ चुकी है राम और सीता की बारात, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कंटिन्यू करके आगे से। तो सब नाच रहे हैं हमारे पप्पूदा, जय श्री राम पप्पूदा। तो ये देखिए ये सारे बच्चे हमारे, ये हैं बच्चे, देखो कितने सुंदर सुंदर बच्चे हैं। एक बार और दिखाता हूँ आपको, देखिए एक बार, अभी थोड़ा सा मैं आपको क्लोजअप लूँगा। राम और सीता पीछे से आ रहे हैं। तो ये है हमारे छुलेरा पुराने पहाड़ी कल्चर का जो बैंड रहता है, ये देखिए अपने आप में अद्भुत नज़ारा है अभी का, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। देखो सारे बराती हो चुके थे यार, मिंटू दा प्रणाम, हमारे मिंटू दा आ चुके हैं। तो ये है हमारे राम और सीता, एक मिनट में दिखा दूँ आपको। तो ये देखिए, तो ये देख सकते हैं आप क्या प्यारा नज़ारा है, कितने सुंदर राम, और उनके साथ पीछे हैं सीता मैया, और उनके राम लक्ष्मण भरत को पूरी पार्टी आ चुकी है। ये देखिए अब ये गाड़ी की तरफ बढ़ेंगे, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार, आप देख सकते हैं। और देखिए पूरे बराती पूरा आ चुका, पूरा सज चुका है। ये देखिए जय श्री राम, राम जी सीता जी और लक्ष्मण। ये मंदिर है जय गोलू देवता ग्वालाकोट वालों का, तो क्या सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए मतलब राम और सीता जी साथ में लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, क्योंकि शादी के बाद आज इनकी बारात है, मतलब पहले शादी हो चुकी कल, तो आज बारात निकल रही है, उसके बाद कल ही निकलेंगे वनवास की तरफ। तो ये देखिए क्या ही प्यारे सुंदर, मतलब ये नज़ारा अद्भुत अपने आप में ही, बड़ा सुकून सा मिलता है, बड़ा सुकून मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये देखिए,
तो सारे भाई और सारे लोग एक साथ बड़े सज रहे हो आप, बड़े सज रहे हो, जय हो। तो देख सकते हैं एक बार हम पहुंच चुके हैं रोड पे अभी, तो राम सीता और पूरा उनका परिवार लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी लोग हम शामिल अब निकलते हैं उनकी यात्रा पे। बारात की जो विवाह यात्रा है पूरी तरह उसको एंजॉय करेंगे, पूरा उसको पूरी तरह थोड़ा सा यहाँ पर पेड़ की वजह से दिक्कत हो गई। तो जय श्री राम, जय श्री राम। पहुँच चुके हैं रोड पर, रोड पर आप देख सकते हैं पूरे नारों के साथ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं और सब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। एंजॉयमेंट के साथ आप देख सकते हो भाई पूरा मतलब अलग ही माहौल लग रहा है, पूरा अलग ही माहौल सजा हुआ है। तो ये है हमारा जो पुराना जो कल्चर है ना, तो ये है भाई, ये तो पूरा बज रहा है भाई। ठीक है, हम निकलते हैं आगे की तरफ और बैठ जाते हैं। तो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं राम और सीता के आने का, क्योंकि खुशी होती है 33 ईयर के बाद पहली बार मतलब ऐसा है कि हमारे इलाके में रामलीला हो रही है। तो सब लोग काफ़ी खुश हैं और खुश होना बनता भी है। तो चलिए अब हम बैठते हैं गाड़ी की तरफ और हम भी ना गाड़ी में बैठ के ज़्यादातर वीडियो बनाएंगे गाड़ी की। अब देखो बारिश भी होने लगी है, आप देख रहे हो बारिश की हल्की की बूंदें और श्री राम। तो एक बार आप देख सकते हैं ये है बहुत प्यारे राम और सीता, आप देख सकते हैं जय। तो आप देख सकते हैं तो यात्रा हो चुकी है शुरू, आज शादी की मतलब दोनों की विवाह है। तो विवाह के समारोह में हम लोग शादी के समारोह में आज शामिल होने आए हैं। ये हमारा सौभाग्य कि हम मतलब ये हमें ऐसा मौका मिला है। तो चलिए हम निकलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा बढ़ते हैं गाड़ी में बैठते हैं। लेकिन हमारे मनीष भाई पता नहीं कहाँ चले गए, उनको ढूंढते हैं। ये हमारे भाई और हमारे एडिटर हमारे मनीष भंडारी भाई, जिन्हें काफ़ी टाइम यूट्यूब में काम भी किया हुआ है। तो हमारे जगदीश भाई हमारे मित्र, तो चलिए भाई आगे मिलते हैं। हम शुरू हो चुकी है राम और सीता की शादी की यात्रा, तो देख सकते हैं पूरा मतलब अभी मैं आपको तो सीसा थोड़ा सा बारिश होने लगी है। शगुन का मतलब शुभ टाइम होता है भाई, जब बारिश होती है तो ये शुभ माना जाता है। तो मैं हूँ विजय भाई है हमारे साथ, मनीष भाई, तीनों लोग हम मैं भी भाई। बारिश हो रही है पर ठीक है, बारिश अभी ज़रूरी भी है, ये इंटरटेनमेंट करना इंजॉय, और ये मौका सबको नहीं मिलता लाइफ में कि आप राम जी और सीता देखिए शादी के समारोह में शामिल होते हैं। देखिए सामने आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये पूरी बारात निकल चुकी है राम जी और सीता जी की। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे दिखाएंगे। बारिश का भी आनंद लेते हुए हम दोनों सब लोग साथ में, बारिश भी बहुत अच्छी हो चुकी है, अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा होने शुरू हो जाएगा। तो यात्रा शुरू हो चुकी है और यात्रा में दिखाता हूँ कौन कौन हम लोग गाड़ी में, और गाड़ी में क्या क्या चल रहा है। अभी कुछ नहीं चल रहा है भैया, गाड़ी बैठे, गाड़ी से वीडियो शूट हो रही है। तो यात्रा हो चुकी है शुरू, फिर से मैं बोल रहा हूँ एक बार बता रहा हूँ, अब हम लोग हैं अभी ऑन द वे। अभी ये होगी 4 से 5 किलोमीटर से ज़्यादा का जो शादी की जो राम और सीता का जो चलेंगे हम यात्रा में, शादी समारोह में शामिल होने जो आए थे हम उसमें। तो मैं हैं मनीष भाई और विजय भाई, हम तीनों लोग हैं, तीन ही लोग हैं गाड़ी में, ज़्यादा लोग नहीं है, इस बार ज़्यादा चाहिए भी नहीं। थोड़ा गर्मी है क्योंकि गाड़ी ना रुक रुक के चल रही है, तो इसलिए थोड़ा सा हल्का इसी चला के इंजॉय कर रहे हैं। अब निकलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं कुछ अलग कुछ दिखता है। तो बाकी आज पूरा वीडियो यही रहेगा कि ये ना टाइम बार बार नहीं मिलेगा, और ना ही हम लोगों को, ना ही आप लोगों को। अभी नवरात्रि का टाइम है, चौथा दिन है आज, तो चौथे दिन में आज के दिन काफ़ी अच्छा भी है और काफ़ी अच्छा भी होने वाला है। ओ भाई पॉल्यूशन इतना कर दिया गाड़ी ने, गाड़ी इसका परमिट खत्म हो चुका है आगे वाले का, दिखाता हूँ खुद आवाज उठ रही है। थोड़ा सा व्यवधान आ चुका है, मतलब थोड़ा सा यात्रा रुक चुकी है, बारात रुक चुकी है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा बाद देख सकते हो पूरा बारिश भाई, मौसम एकदम चेंज हो चुका है। जैसे ही यात्रा शुरू हुई, बारात शुरू हुई रावण सीता जी की, तो सडनली राम और सीता जी की, यार रावण जी की थोड़ा बोला, तो वैसे सडनली मतलब बारिश भी हो गई। और बोलो हम लोगों ने पहले स्कूटी में ही आ रहे थे, तो सही हम कार से आ गए, तो थोड़ा सा भीगना बच जाएगा, फ़ोन बच जाएगा, बाकी तो भीग जाएगा कोई बात नहीं, बाकी का तो कोई टेंशन था नहीं। वैसे ये दिखाता हूँ वापस, मैं आपको वेदर दिखाऊंगा बाहर का भी, ये अभी दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं अभी लेफ्ट साइड में हूँ, लेफ्ट साइड में तो सिर्फ पहाड़ी है, तो राइट साइड में जाऊँगा। भाई क्या कर रहा, आराम से यार गाड़ी से उतरते हुए रावण सीता जी, और रुक चुके अब दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, पता नहीं थोड़ा सा आगे निकल के गाड़ी लगाएंगे, क्योंकि देख लो अभी बारिश पूरी तरह हो चुकी है, पूरी तरह भीग चुके हैं यार ये सब लोग। मिंटू जी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो अभी भीग चुके हैं, गाड़ी तो शेड़ लगने, ये देखो ये धनुष लेके कोई और, अभी यात्रा यार पूरी तरह मतलब थोड़ा सा ना रुकावट हो चुकी है, पूरा बारिश हो चुकी है, बारिश में बड़ा प्रॉब्लम।
हो गई यार, देखो जैसे बिल्कुल यात्रा बिल्कुल एकदम रुक सी गई है, देखो सब उतर गए गाड़ी से। ये राजा दशरथ भी उतर चुके हैं, राजा दशरथ जी बड़े भगवान। अरे ये उतर के यात्रा कैसे होगा सामने शीशे में भी देख सकते हैं आपको, एक बार थोड़ा सा अंदर कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है भाई। बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी है, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैं थोड़ा सा ऊपर जा देता हूँ, थोड़ा सा बस और रोडों की हालत तो क्या ही होता है, घर चलिए कोई नहीं। घंटा हो चुका और एक घंटे से वेट कर रहे हैं, देखो बारिश आप देख रहे हो पूरा, मैं शीशा नीचे करने लायक नहीं हो रहा भैया। आगे दिखाता हूँ, देखो आगे शीशे में आप देखो कितनी ज़्यादा बारिश है। राम जी और सीता जी की शादी की यात्रा में सभी बराती भीग चुके हैं बुरी तरह, और कुछ बराती जो दोपहिया वाहन में आ रहे थे उनका बुरा हाल है, और कुछ राम का धनुष लेके बैठे हैं गाड़ी में। तो एक बार फिर से दिखाता हूँ, देखो तो वेट करते हैं बारिश का रुकने का, फिर करते हैं यात्रा आगे शुरू। आए तो थे राम जी की बारात में, लेकिन देख रहे हो मौसम बिल्कुल ही खतरनाक कैसा हो चुका है, बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा बारिश हो चुकी है। अभी जब मैं घर से निकला था आपने मेरे पीछे देखा कि बहुत अच्छी धूप थी, तो कोई नहीं अब हम खाएंगे जलेबी। ये है मनीष भाई, ये है पपूदा। पपूदा हमारे वो भी बने थे, क्या बने थे आप? नहीं बहुत से तो बने थे, ताड़ी का सब ये बहुत से बने हैं। तो ये देख रहे हो भाई साहब क्या मौसम हो गया। ओ हो, ये कॉटेज है यहाँ पे आप रह सकते हो, आ सकते हो। साल भर में ना इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई है जितनी आज हुई है। आ गया बारिश में गाड़ी, तो आगे हमारा डीजे आ गया हमारा। सब लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं क्योंकि अब रुकने का कोई फायदा है नहीं, बारिश बहुत तेज हो रही है। हम लोग रुक चुके हैं और सब लोग गिरोगे। अभी तो भाई नदी आ चुकी है पूरी तरह, क्या देखा था नज़ारा एक बार सामने का आपको, बहुत अच्छा नज़ारा है क्योंकि भैया सब कुछ तो बैठ चुके हैं। क्या आप नज़ारा देख सकते हैं, बहुत हल्की सी नदी आ चुकी है, पानी बढ़ चुका है। और ये देखिए भाई सब लोग जाने लगे अब क्योंकि भाई बारिश ना बारिश रुक नहीं रही है, और पूरी जो राम सीता की बारात तो निकल रही थी वो पूरी तरह हो चुकी है डिस्टर्ब। तो कोई ना हम भी अब गाड़ी की तरफ बैठते हैं, मैं पथरिया पे भाई, मेरा भी नैनिहाल ऊपर इधर पहाड़ से पीछे है यार, अब तो रोड चले गई, पहले हम जाते थे पैदल। तो निकलते हैं अब घर की तरफ। ये आ चुके हैं धनुष लेके, राम का धनुष लेके घूम रहे हैं बपुदा यहाँ पे। तारिका जो परसों मर चुकी थी फिर से जिंदा हो गया, राम को धनुष लेके घूम रहे हैं क्योंकि बारिश हो चुकी है, अब क्या करना हमने। चलिए यार, बारिश रुकने के बाद एक बार फिर से पुनः यात्रा हो चुकी है शुरू, पर लेकिन अभी ये कहा नहीं जाएगा कि राम सीधा शायद गाड़ी के ऊपर ना बैठे, हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो है अभी भी। एक बार आपको वेदर दिखा सकता हूँ, देखो सामने आप देख सकते हैं क्या ही अच्छा वेदर, बहुत अच्छा सुकून वाला वेदर है, काफ़ी बारिश के बाद बिल्कुल धुला धुला सा पूरा नया खिला सा चेहरा, मौसम ठंडी हवाएं, वैसे भी ठंडा शुरू हो चुका है। सितंबर अक्टूबर पूरा दो दिन बचे, अक्टूबर स्टार्ट ही हो गया ऑलमोस्ट डन। तो चलिए देखते हैं आगे की तरफ, एक मंदिर और जाना है, अब हम जाएंगे राम मंदिर जो है, राम जी का ही अपना मंदिर है, तो वहाँ जाएंगे, उसके बाद वापस कंटिन्यू घर, फिर घर जाकर चाय वाय पियेंगे और क्या कर सकते हैं भाई, बारिश में तो यही चलता है। जितने राम जी के लिए अभी ना सनरूफ वाली गाड़ी आ गई है, तो राम जी निकले सनरूफ से बाहर, राम जी का रथ तो पूरी तरह भीग चुका है बारिश में। बारिश में होने की वजह से मैं दिखाता हूँ, एक बार आपको दिखाता हूँ, ये देखिए राम जी बिल्कुल सफारी में पूरा आनंद लेते हुए जा रहे हैं आगे से। बारिश हल्की फुल्की ज़्यादा नहीं पर मौसम साफ है, थोड़ा सा मौसम ने साथ दिया अभी। तो चलिए हम निकलते हैं राम मंदिर, राम जी के मंदिर में देख सकते हैं राम जी की पूजा हो रही, लोग आए हैं, कुछ लोग फूल से बरसात कर रहे हैं फूलों की। जय श्री राम आप सबको, ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आपको वीडियो देखने का, यात्रा में शामिल होने का, विवाह में। क्या फूलों से स्वागत हो रहा है राम जी का, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको ना, थोड़ा आगे जाता हूँ, अभी निकल रहे हैं आगे की तरफ। जय हो, अरे दशरथ जी आप क्या बने हो, दर्शन लगे ये विश्वामित्र जी हमारे वशिष्ठ गुरु जी। तो ये अभी हम लोग पहुंचे राम मंदिर में, अच्छा मैं तो मैं दिखाता हूँ एक बार आपको, तो आगे निकलेंगे। राम जी की बारात में शामिल होने का सौभाग्य मिला हम सबको आज, राम जी की बारात में शामिल होने का सौभाग्य मिला हमको सभी को। देखिए राम भरत शत्रुघ्न सीता जी सभी यहाँ पे हैं, और देखिए ये देखिए अब जैसे हम पहुँचे फिर बारिश शुरू हो गई है। मंदा पहुँचते ही एक बार फिर से बारिश का आगमन हो चुका है, पहुँचते ही माँ साहब भी रुके हैं यहाँ पे, माँ साहब को नमस्कार हमारे, देख सकते एक बार सभी लोग
पूरी बारात, पूरी बारात की टोली जो पीछे नाच रही है ना भाई, जो सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं वो है वहाँ पीछे बराती, वो है राम जी के बराती जो नाच रहे हैं पीछे। देखिए अभी दिखाता हूँ, आने दीजिए। ये देखिए बारिश में ना भीगने के बाद देखो बॉडी ना बहुत ज़्यादा हो चुकी है ठंडी, तो अपने आप को हीटअप करने के लिए ना भाई आपको ना सबसे बढ़िया डांस करना तो ये बता, देखो फुल एंजॉयमेंट है भाई, टेंशन नहीं। क्या आ चुका तो भक्त आ चुके राम जी के। हेलो हेलो, जय श्री राम। तो सबसे बढ़िया टाइम है, नाचो कूदो एंजॉय करो भाई, कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री, क्योंकि ये लाइफ में सबसे बेस्ट लाइफ होती है। हम भी नाचते थे, अब आगे बढ़ता हूँ, आगे दिखाता हूँ आपको। राम मंदिर एक्चुअली में राम जी का ही मंदिर है, तो यहीं पे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता मैया सब लोग यहाँ पे जो बरात आई थी उनके बाद अभी यहाँ पे ना उनके दर्शन होंगे। ओहो बाबा जी तो अंदर बढ़ गए यार, वहाँ दशरथ जी और पूरा सबका चल रहा है चाय पानी अंदर यार, हम भी चाय पानी पियेंगे गुरु जी। जय श्री राम, राम जी का मंदिर, राम मंदिर जय हो प्रभु। भक्तजनों के लिए कुछ चाय पानी की उचित व्यवस्था भी कराई गई है, तो थोड़ा चाय पानी करते हैं और उसके बाद निकलते हैं अब घर की तरफ, क्योंकि मौसम भी हो चुका है और टाइम हो चुका है 5:30 फिर निकलते हैं आगे की तरफ। तो राम जी की बारात हो गई यहीं पर ख़त्म, क्योंकि अब इसके बाद राम मंदिर आगे पूजा करने के बाद सब लोग निकलेंगे अपनी अपनी तरफ और राम जी जाएंगे रामलीला कमेटी ग्वालकोट में ही, जहाँ शाम को फिर से रामलीला होगी। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप इस ब्लॉग को अगर एंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को देखें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, बाय बाय।